डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। तो मैं आपको देखो बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि डलहौजी, जिस तरह से लॉर्ड वेलेसली ने सहायक संधि प्रणाली का आरंभ करता नहीं था, उसने एक सिस्टम के रूप में उसको ढाला, उसी प्रकार से डलहौजी भी व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का आरंभ करता नहीं था। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहले से ही, पहले जैसे ऑकलैंड ने भी इसका इस्तेमाल करके कुछ राज्यों का विलय किया था, लेकिन डलहौजी को इस बात के लिए डिस्क्रेडिट या ब्लेम किया जाता है कि उसने व्यपगत के सिद्धांत को बड़ा ही एग्रेसिवली लागू कर दिया, बहुत एग्रेसिवली, बहुत दूर तक और बहुत वाइडली उसको इंट्रोड्यूस किया उसने, जो नॉर्मली नहीं होता है। अब जैसे मैं उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसने भारतीय राज्यों को तीन समूह में बांटा। एक समूह में वे राज्य थे जिनका ब्रिटिश से डायरेक्ट लेना देना नहीं था, वो स्वतंत्र और मित्र राज्य थे, ब्रिटिश से हेलो हाय होता था, है ना, हेलो हाय, क्योंकि ब्रिटिश से लड़ नहीं सकते थे, ब्रिटिश उनके साथ स्वतंत्र और मित्र थे और ब्रिटिश उन पर नजर रखता था, लेकिन ब्रिटिश उनको अपने अधीन नहीं किया हुआ था। तो ऐसे राज्यों को अपने उत्तराधिकारी के मामले में ब्रिटिश से कोई भी बातचीत करने की जरूरत नहीं थी, वो एकदम स्वतंत्र थे। दूसरे कैटेगरी में वे राज्य थे जो पहले मुगलों और मराठों के अधीन रहे थे, परंतु वह ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ गए थे, मतलब उनको ब्रिटिश कंपनी ने जन्म नहीं दिया था, समझ लो। ऐसे राज्यों से अपेक्षा की जाती थी कि जब अपने उत्तराधिकारियों को मतलब चयन करते तो ब्रिटिश से एक फॉर्मल अनुमति, मतलब पान फूल लेकर, जैसे शादी करते हो तो मैं अपने बच्चे की शादी कर रहा हूं, कुछ सुपारी और कुछ दक्षिणा भिजवा देते, ब्रिटिश भी लेते, बोलते कि ठीक है, हमारा आशीर्वाद है, करिए, है ना। लेकिन वो जस्ट इट वॉज अ फॉर्मेलिटी, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा वो करते तो कंपल्सरी था कि ऐसा करना ही है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो ब्रिटिश को लगता कि हमको अपमानित किया, ब्रिटिश के लिए केवल यह प्रेस्टीज की बात थी। तीसरे कैटेगरी में वो राज्य थे जिसका निर्माण ही ब्रिटिश कंपनी ने किया था। अब जैसे तुम कहोगे कैसे, तो टीपू सुल्तान से जो भूभाग छीना था मैसूर का, तो एक राजा को बैठाया था, तुमने देखा कि उधर मराठों का जब छीना था पेशवा का राज क्षेत्र, तो एक शिवाजी के वंश, तो वैसे करके भारत में बहुत सारा स्टेट्स क्रिएट किया हुआ था ब्रिटिश ने। तो वैसे जो स्टेट क्रिएट किए होते तो उस स्टेट को जन्म ही ब्रिटिश ने दिया था। तो ब्रिटिश का कहना था, मतलब डलहौजी का कहना था कि देखिए, आपको हमने पावर दिया है, पावर डेलीगेट हमने किया है, अगर आपका कोई डायरेक्ट सक्सेसर है तब तो मैं आपको टच नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका जो लाइन ऑफ सक्सेशन डिसकंटिन्यू कर गया, यानी आपका अपना बेटा नहीं और आप किसी अन्य व्यक्ति को गोद लेते हो, यह हमें मंजूर नहीं, क्योंकि वो आपका वंशज नहीं। तो हमने आपको पावर दिया, डेलीगेटेड, डेलीगेट किया, और आप अब तुम किसी तीसरे आदमी को डेलीगेट कर रहे हो पावर, तो डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड। भाई लीगली हम किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो इज एज गुड एज माई सन, ये तो मेरा राइट होना चाहिए। वो कहा कि नहीं, आप किसी और को अडॉप्ट नहीं कर सकते, डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो होगा क्या, तो आपका पावर अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो लैप्स होकर हमारे पास आ जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत। और संजोग देखो, सात के सात राज्य के पास उत्तराधिकारी नहीं था, लगता है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो गया था। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, उदयपुर, बाघाट, झांसी, नागपुर, इन सात को उसने की मतलब इसी आधार पर विलय कर लिया। अब उसका ध्यान अवध पर था, अवध एक बड़ा ही समृद्ध राज्य था, समृद्ध तो अब नहीं, राजा तो समृद्ध नहीं रह गया था, लेकिन उस राज्य का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था, सामरिक महत्व भी था, वो मुगलों का केंद्रीय क्षेत्र रहा था अवध। ब्रिटिश रोहिला खंड तो उसे पहले ही छीन चुके थे और ब्रिटिश ने इतना ज्यादा पैसा ऐंठा था अवध के नवाब से कि अवध का नवाब तो वर्चुअली, कभी अगर मान लो मूवी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो, मूवी तो एक टेली फिल्म सत्यजीत रे की है,
सत्यजीत रे ने हिंदी में दो ही बनाई है, एक तो कास्ट सिस्टम पर बनाया था, उसमें ओम पुरी है, बहुत अच्छा है वो भी, मतलब हृदय विदारक, इसको कास्ट एक्सप्लाइटेशन का देखोगे, जो अनटचेबिलिटी का और उसका जो कॉन्सेप्ट दिया है रियली में, उसका तो नाम ही बोल रहा हूं। और दूसरा सत्यजीत रे का शतरंज के खिलाड़ी, तो शतरंज के खिलाड़ी में उसने अवध के नवाब का जो चित्र खींचा है कि अवध का नवाब कितना मजबूर था, वो देखने के बाद आपको लगेगा कि अवध के नवाब की दुर्दशा के लिए वही उत्तरदायी था। और बाद में उसने उस पर अवध के नवाब पर, दूसरा तो प्रिंसिपल चल नहीं सकता था, ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अवध पर तो चल नहीं सकता था, कारण दो था, एक तो अवध पहले से ही था, वो तो अवध तो एक तरह से तुम समझो तो अधीनस्थ राज्य था, जो सहायक संधि में बंधा होता है, अवध को उसने पैदा तो नहीं किया था। अगर अवध का लाइन ऑफ सक्सेशन डिसकंटिन्यू भी कर जाता तो अभी अवध को उस आधार पर वो क्लेम नहीं कर सकता था, लेकिन लाइन ऑफ सक्सेशन डिसकंटिन्यू करने की बात तो दूर रही। इस मामले में तो अवध का नवाब काफी आगे निकला हुआ था, 17-18 बेटे पैदा किए हुए थे उसके, तो उसके बाद उत्तराधिकारियों की भी कमी नहीं थी, तो वहां पर वो कैसे उसको अनेक्स करता, तो उसके लिए उसने एक नया फार्मूला अपनाया कि अवध की प्रजा कुशासन से ग्रस्त है और उसके मतलब मिस गवर्नेंस से, और अवध की जो प्रजा है वो हमें निमंत्रण दे रही है कि हम आए उनकी रक्षा के। अब देखिए नया कहानी, और 18वीं सदी से ब्रिटिश लेखक कहीं ना कहीं भारत के निरंकुश शासकों के व्यवहार के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखते रहे थे और प्राच निरंकुशता की बात करते रहे थे, और उसी का फायदा उठाकर उसने अवध का विलय किया। अब उसका दावा कितना गलत था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है, अवध के विलय के बाद वही अवध की जनता ने ब्रिटिश को 1857 के महाविद्रोह में ईंट से ईंट बजा दी। तो अगर वो इतना असंतुष्ट थी और आपका स्वागत कर रही थी, तो 7-1 वर्ष भी क्यों नहीं धैर्य से रहे, 1 वर्ष के अंदर ही आपको, और वही ब्रिजिश कादर, वही बेगम हजरत महल जब खड़ी हुई तो न अपने नवाब के पक्ष में वहां के पब्लिक और वहां का जमींदार तो किया, और किसानों ने भी उसके विद्रोह में खड़े हो गए। एंड अवध वॉज द सिंगल रीजन यू कैन से कि देयर वॉज द कंप्लीट पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। कहां ही जाता है 1857 का महाविद्रोह अवध का विद्रोह था। हालांकि इस मत को हम नहीं मानते हैं, केवल अवध ही क्यों, अगर हम मानेंगे केवल अवध का विद्रोह था तो संकीर्ण हो जाएगा ना, क्या क्या विचार है। अब तुम लोग दांव पेश समझ जाते हो, कोई अगर स्टेटमेंट देता है तो स्टेटमेंट के नुआंसेस को समझने लगते हो कि नहीं यहां पर पूरा एग्री नहीं करना है, यहां पर डिसएग्री करना है, बस यही सोशल साइंस में चाहिए, और यही चीज लैकिंग होती है, और यही ना कहीं पढ़ाई जाती है ना कहीं किसी पुस्तक पढ़ के तुम सीख पाओगे, लेकिन यही लोच आना चाहिए, क्वेश्चन देखे नहीं कि उत्तर दिमाग में बनने लगा, अच्छा यही डायरेक्शन में जाएगा और ये क्वेश्चन उस डायरेक्शन में जाएगा, बस यही एक्सपर्टीज की अपेक्षा करते हैं, और ये एक्सपर्टीज तुमको आ गई और थोड़ा सा एक्सप्रेशन तुम्हारा बन गया तो सिलेक्शन पक्का है। और बहुत सारा देखो, ऐसा तुम मत सोचो कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है, स्टेट में है, यूपीएससी में है, एक एग्जाम थोड़ा है, बहुत सारा एग्जामिनेशन है। जब सिलेक्शन होना शुरू होता है तो स्टेट में भी सिलेक्शन हो जाता है, फिर यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो जाता है, मतलब एक जब खाता खुल जाता है तो फिर खुल जाता है, तो फिर आपको देखोगे आप जैसे आनंद था तो वो भी तो यूपीपीसीएस में पहले क्वालिफाई कर चुका था, यूपीपीसीएस में वो ऑलरेडी उसको पद था, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में जो यहाँ पर यूपीएससी में दिया तो इनकम टैक्स में हुआ, नागपुर में था, और थर्ड टाइम है आईएएस में। तो मतलब झांसी वो क्रिएट ब्रिटिश, झांसी का जो राजवंश था, देखो राज्य को क्रिएट थोड़ा करता था, वहां के राजा को हटा देता था और किसी और वंश को, जिसको जिस वंश को ब्रिटिश स्थापित करता था उस पर दावा कर देता था। अब उतना एक एक के बारे में हम नहीं जानते हैं कब किसको क्या किया, और जानने की कोशिश भी नहीं करते, वो अलग फिर फैक्चुअल हो जाएगा। उस सबको कोई ना कोई रूप में, जितने को ब्रिटिश ने छीना है उसको डेलीगेट ब्रिटिश ने किया हुआ था। अब झांसी की अपनी अलग कहानी है, नागपुर की अलग कहानी है, उदयपुर की अलग कहानी है, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है, यहाँ तो वहां पर याद रह जाए ये स्टेट का नाम वही बहुत है, कहानी में कहां तक जाओगे। यूपीएससी का एक और फॉर्मूला है, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, जहां फैलने लगे, फैलने के लालच में पड़े फंस जाओ, फैलना भी नहीं, यूनिवर्सिटी वाले पैटर्न से ही बचना है।
समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी वाले पैटर्न से भी बचना है, फैलना नहीं है, इन स्मार्टली जानना सब कुछ है, सूंघते रहना है कहां क्या हो रहा है। और हर वीक में जैसे संडे के दिन तुम रिलेटिवली फ्री रहते हो क्या? वहां भी तुम कहीं ना कहीं टेस्ट हो रहा होगा, कहीं नहीं, कहीं ना कहीं इंगेज रहते हो, कहीं नहीं कुछ है तो टाइम ही अपॉइंटमेंट करके बैठ जाते हो। अब तक तुम खाली हो ना? हाँ, देखता हूँ कब तक रहते हो। हाँ, सिलेक्शन तक, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि संडे को तुम को टाइम मिलता है तो उस दिन एक काम करो, अब तो बाकी दिन तो पेपर पढ़ने का बहुत टाइम नहीं मिलता होगा, क्योंकि अब उड़ती हुई खबर है, पता चला 2 घंटे पेपर पढ़ते रहे तो भी तो मुनासिब नहीं है, बहुत सारा काम बचा हुआ। संडे के दिन सारा पेपर एक सप्ताह का उलट के देख लो कि इस वीक में इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्या निकल सकता है। किसी वीक में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई, किसी वीक में 2 निकल के आई, किसी वीक में लगा कि पुराने वीक कहीं चल रहा है यार, कोई नई बात नहीं। सारा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना कौन पढ़ेगा भाई, उतना कौन पता चला 3 घंटे पेपर ही पढ़ते रहे। ये भी एक अलग तरह की समस्या है। तो उसको एक सप्ताह में बना लो कि ठीक है भाई, इस वीक में अच्छा ये हुआ तो ईरान इसका समझौता हुआ, अच्छा ठीक है सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, समझो कि नहीं, अच्छा तो इस पर हो रहा है, फिर महिला के आरक्षण की बात उभर कर आ गई, उस पर ये होना चाहिए। बस 3 मुद्दा मिला, उन 3 मुद्दे को पढ़ के और थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा में कहीं पर नोट डाउन करके एक वीक में छोड़ दो, बस पेपर पैक्ड। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यही तो फार्मूला अभी तत्काल करंट में अपनाओ, उसे तुम्हें फायदा हो। अब करंट में होता है कि जैसे क्लास ही जाता है, बहुत फैक्चुअल क्लास चलता है करंट का, इतना फैक्चुअल नहीं चलना चाहिए, मुख्य मुद्दा बताइए। मतलब यूक्रेन और रशिया संबंधी है तो 3 दिन हम 3 बात उस पर कहेंगे, अरे निचोड़ बताइए क्या है भाई। अब आज 3 बम गिराया, फिर कल 4 बम गिराया, वो भी करंट का हिस्सा है, फिर आज अमुक क्षेत्र पर हमला किया रस, यार समझो तुम्हें हमला किया, लेकिन अब याद रहेगा कौन मरीपोल पर कब हमला किया, इस पर कब हमला किया। तरीका होता है याद रखने का, और हम उस तरीका अपने पर आजमाते हैं तब तुम लोगों को बताते हैं, क्योंकि जो मुझे याद नहीं रहेगा वो तुम्हें कहां से याद रहे। इसलिए उतना ही तुम करो जितना तुम रख सकते हो, और बहुत सिस्टमेटाइज करके उसको डालो, है ना। तो अब देखो डलहौजी पर इतना तुमको मैंने समझा दिया, बस कंक्लूडिंग ही है। केवल मैं एक बात और बताना चाहता कि अब डलहौजी ने इतनी आक्रामक नीति अपनाई, उसके पीछे कारण क्या था? एक कारण तो सीधा साधा मार्केट हो गया, बाजार, क्या बाजार में किसी को डाउट? लेकिन हम 3 कारक यहां बताएंगे। एक बताएंगे नव विक्टोरियाई साम्राज्यवाद का प्रभाव। अब नव विक्टोरियाई साम्राज्यवाद क्या था? तो महारानी विक्टोरिया जो लंदन में थी, तो उसके समय ब्रिटिश ने बड़ी आक्रामक नीति अपनाई थी, कि वो भी औद्योगिक पूंजीवाद की देन थी, कि अलग अलग क्षेत्र को जीतो, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना कायम करो और वहां के रिसोर्सेस का दोहन करो। तो नव विक्टोरियाई साम्राज्यवाद से डलहौजी काफी प्रभावित था। और तीसरा था उपयोगितावादी विचारधारा। उपयोगितावादियों का अलग कष्ट था, उसका कहना था कि नए क्षेत्रों को जीतिए, वहां पर चूंकि वहां पर अच्छा शासन, बेहतर शासन प्रबंध स्थापित किया जा सके, सक्षम शासन प्रबंध, और उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेके सक्षम शासन प्रबंध स्थापित किया जा सके, इसलिए हमें जीतना है। इन तीनों में अगर किसी एक को चुनने के लिए कहूं कि डलहौजी के नीति को प्रेरित करने वाला इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होगा, तो क्या बता सकते? क्या बोलो, तुम लोग ही बोलो, कौन सा कारण होगा? समझ में आ रहा है? पहला, जैसे ब्रिटिश जो हैं वो भरमाने की हम लोगों को कोशिश करते हैं कि देखिए ऐसा है, ये विचारधारा के कारण ऐसा हुआ, ये विचारधारा थी, उपयोगितावादी ऐसा कहते थे, भाई आपने क्यों छीना? तो कहते थे कि वो कहेंगे कि देखिए हमने इसलिए भूभाग का अधिग्रहण किया, क्योंकि हम एक्चुअली हमारे जो कुछ चिंतक थे ब्रिटेन में, उनका कहना था कि अगर भारत पर ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर आप कब्जा करोगे तो वहां पर आप अच्छे प्रशासन की स्थापना करो। इसके लिए हम लोग कहते हैं झूठ मत बोलिए, समझ रहे हो कि झूठ मत बोलिए। आपका मुख्य उद्देश्य था हमारा संसाधन लूटने का। हाँ, विचारधारा का ही प्रभाव हो सकता है। मान लो तुम डीएम बन के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, तो अब वहां पर तुम्हारा जो ऊपर से जो मतलब एक
एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में जो ऊपर से तुमको लाइन ऑफ ऑर्डर आता है कि करना है, तो तुम अपने लाइन ऑफ ऑर्डर को तुम पालन कर रहे हो, लेकिन तुम एक व्यक्ति भी तो हो, तुम्हारी अपनी कुछ सोच भी तो है, उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हम इसको कंप्लीट खारिज नहीं कर रहे। जैसे मानव मन जटिल होता है, तुम क्लास में बैठे हुए हो, तुमको आईएएस की तैयारी करनी है, तो तुम इस उद्देश्य से बैठे हुए हो कि मैं क्लास में पढ़ूंगा, एक एक चीज ध्यान करूंगा, नहीं तुम्हारे दिमाग में केवल आईएएस अभी थोड़ा चल रहा है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग भी चल रही है कि अभी तक मैसेज का जवाब नहीं आया। अभी तक रूम रेंट नहीं दिया है, लैंड लेडी आज फिर परेशान करेगी, बहुत सारे दिमाग में चीजें चल रही ना आपको। उसी तरह मानव मन जटिल होता है। इसी पर टी.एस. इलियट ने कहा था कि हम एक ही साथ पके हुए सुअर के मांस की खुशबू, दांते के भव्य कविता के पाठ का आनंद और प्रणय अनुभूति महसूस करते। समझ में नहीं आया होगा आप लोग, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा सोचते कहीं। मैं एक ही साथ पके हुए सुअर के मांस का खुशबू, दांते के भव्य कविता के पाठ का आनंद और प्रणय अनुभूति महसूस करता हूं। प्रणय अनुभूति समझते ना, प्यार। मैंने आपके मस्तिष्क में तीनों चीज चल रही होती। जैसे आप कंक्रीट एग्जांपल दूंगा, तुम समझ जाओ। तुम किसी मित्र को आर्थिक परेशानी है, तुम मदद करना चाहते हो, ओके? अब उसको मान लो 50,000 रुपीज की जरूरत है, तुमने अरेंज करके उसको दिया, तो तुम उसको बाकी जो मित्र के मंडली के सामने, लो यार तुम्हारे लिए जान न्योछावर है, 50,000 की गड्डी उसके हाथ में देते, और तुम्हारे दिमाग में तीन चीजें चल रही। एक, मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूं। दूसरा कि भाई सब सुन रहा है, मेरा दबदबा दोस्त मंडली में बन रहा है कि मैंने इनको 50,000 रुपये दिए। और तीसरा कि हमारा अभी जो कॉलेज में इलेक्शन होने वाला है, इसका पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है, पब्लिक ग्रिप ज्यादा है, कम से कम 50 वोट हमको जरूर दिलवाए। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए जब नेचुरल साइंस हम पढ़ते हैं और सोशल साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस में हमेशा एक से अधिक व्याख्या हो जाती है। जैसे उसमें क्या होता है, जैसे 5 स्कॉलर्स होंगे, केवल हिस्ट्री में ही नहीं, पॉलिटी में पढ़ो, सोशियोलॉजी में पढ़ो, तो वहां भी दुर्खाइम कुछ और बोलेगा, मैक्स वेबर कुछ और बोलेगा, श्रीनिवासन कुछ और बोलेंगे, है ना? जब ना कुछ तो बोलेंगे, सोशल साइंस है तो कुछ तो बोलेंगे, सोशल साइंस में सहमति बनेगी तो सोशल साइंस चलेगा कैसे, तुम ही बताओ। तुम लोग जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसमें एक विचार, एक ही यूनिलिनियर विचार दे देता है। जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी को हम क्यों सराहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी निचोड़ देता है, जो प्रभावी विचार होता है उसको, एनसीईआरटी उसको मान्यता दे दी, इसका मतलब विचार चलेगा। तो मान लो 5 और 6 विचार आता है, तो कोई कोई विचार बहुत विचित्र आता है, खंडित करने के लिए, जो सिस्टम सहमत नहीं है उसको भी जानिए। अब 2-3 विचार है उसको भी जानिए। अब मान लो आपको लिखना है विवेचन कीजिए, तो आप कहेंगे यह कहते हैं, यह कहते हैं, यह कहते हैं, और हम इनमें ये चीज समझते हैं। तो जानना तो सबका है, और या आपको आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो कहते हैं ये बोलते हैं परंतु इनके विचार की ये खामी है, दूसरी तरफ ये बोलते हैं और हमें लगता है कि यही सही है, आलोचनात्मक परीक्षण किया हो गया। और महत्व बताइए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कितना स्मूथ है लिखना, लिखने से डर तो इसे सहज कुछ चीज है ही नहीं, केवल कलम तो उठा लो एक बार।